कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं ये कोई मामूल या सेहतमंदाना सरगर्मी नहीं है, ये बजट के अंदर इन डिसिप्लिन की निशानी देते हैं। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जरूर नकल करना चाहूँगा जिसमें कहा गया है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट टू ले बिफोर द नेशनल असेंबली द सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट सो दैट इट इज सब्जेक्टेड टू सेम स्क्रूटनी एंड प्रोसीजर एज इज एप्लीकेबल टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स 82-83। तो लिहाजा इस खर्चे को उस बजटरी स्क्रूटनी से अलहदा करना कि जो दूसरी बजट की मद के ऊपर होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की खिलाफ वर्जी है, इसको किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और ये भी कहा गया है कि द नेशनल असेंबली वाइल गिविंग असेंट टू ए ग्रांट विच इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय द एग्जेक्टिव एट इट्स डिस्क्रिशन हैज टू फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स 80-84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2007। However, such discretionary grant cannot be spent at the absolute discretion of the executive, and the discretion has to be exercised in a structured manner. The Constitution does not permit the use allocation of funds to MNAs, MPAs, notables at the sole discretion of the Prime Minister or the Chief Minister. तो जनाब स्पीकर, मैं इस supplementary grant में से सिर्फ 6 महकमों को आपके सामने पेश करूंगा कि उसके ऊपर कौम जानना चाहती है कि ये जो इजाफी खर्चा किया गया है इसकी क्या यूटिलिटी थी। सबसे पहले नैब के लिए तकरीबन 5.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। जनाब स्पीकर, हम तो सुनते नहीं थकते चेयरमैन नैब से कि नैब ने 400 अरब रुपया कमा के हुकूमत को दिया है। तो नैब तो हुकूमत का कमाऊ पुत्र है, उसको जनाब 5.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की कैसे जरूरत पड़ गई है। और वजीर खजाना साहब से मैं अर्ज करूंगा कि जितने भी बजट के डॉक्यूमेंट मैंने देखे उनके अंदर किसी जगह नैब के उस 4.5 अरब रुपए की आमदनी की एंट्री नहीं देखी है। इसका मतलब यह है कि फिर वो मुनाफा नैब के पास ही पड़ा है, तो नैब उस मुनाफे के ऊपर जो उसने कमाया है कितना पैसा कमा रहा है, क्या उसका ऑडिट किया है किसी ने। और अगर नैब इतना कैश रिच इदारा है तो फिर बजाय वजारत खजाना बैंकों से कोई कर्जा ले, नैब से ले ले। तो या वो 4-4.5 अरब रुपए की कमाई का दावा झूठा है, या फिर ये 5.5 अरब रुपए की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जा रही है नैब को, इसमें दाल में कुछ काला है। और नैब का जो काम है वो आपके सामने है कि झूठे मुकदमे और किसी को इंक्वायरी के बगैर गिरफ्तार कर लो, किसी को रेफरेंस फाइल होने के बाद भी गिरफ्तार ना करो, और वो एक हकूमती इंतकामी एजेंडे का आलाकार है, तो उसको 5.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का क्या जस्टिफिकेशन है। और काबिलियत इतनी है कि ब्रॉडशीट को अरबों रुपए इस मुल्क के खजाने से फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हवाले कर दिए हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट तक भी नहीं उनके साथ देख सके कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो ब्रॉडशीट स्कैंडल के ऊपर नैब को जुर्माना होना चाहिए था, बजाय ये कि उसको 5.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाए। फिर आ जाइए जनाब कैबिनेट डिवीजन के ऊपर। कैबिनेट डिवीजन पे जनाब स्पीकर 3 अरब रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट है। अब ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम जनाब रियासत मदीना के तहत सादा जिंदगी गुजारेंगे। ये वजीर आजम साहब कहा करते थे मैं तो 15-20 वजीरों के साथ हुकूमत चलाऊंगा। आज 50 से ज्यादा की काबीना रिक्रूट हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हाफ सेंचुरी से ज्यादा वजीर बनाए जा चुके हैं उनका मेयार क्या है, कि गर्मियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों के अंदर तो होती थी, गंदम की बंबर क्रॉप आई है और आटा इंतहा का महंगा और आटा इंपोर्ट भी हो रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बंपर क्रॉप है, तो जिस हकूमत से एनर्जी की बेसिक सप्लाई डिमांड मैनेज नहीं होती, जो इतनी नाकस कारकर्दगी दिखा रही है, वो इतनी बड़ी फौज जफर मौज जो वजीरों की है
उसके लिए हमसे अगर 3 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगे, ये नाकाबले कबूल है। फिर जनाब मैं हैरान रह गया, 8 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए। हम तो ये सुन रहे थे कि ये वजीर आजम रियासत मदीना का एक वजीर आजम है जो सादा जिंदगी गुजारता है, जो शायद एक किसी खुश्क एक सादा दरी के ऊपर सोता है, ये चलता भी है तो पैदल चलता है, लेकिन पता चला इसका हेलीकॉप्टर तो रिक्शे के जितना पेट्रोल लेके चलता है। ये शायद वही करो फर हैं कि जो दिखाने के और हैं और करने के और हैं। जनाब स्पीकर सहवान को पता चलना चाहिए कि वजीर आजम के दफ्तर पे 8 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की क्या जस्टिफिकेशन है? उनका 1 अरब रुपए का बजट था, पिछले साल के बजट में 1 अरब रुपए का बजट था। अब बताएं कि 1 अरब के बजट के अगेंस्ट 8 अरब मजीद खर्च करने का क्या जस्टिफिकेशन है, जबकि वजीर आजम का दफ्तर हमें गैर फाल नजर आता है और उनकी सरबराही में यह काबीना पाकिस्तान की नाअहल तरीन काबीना नजर आती है। तो इस 8 अरब का हमें हिसाब चाहिए कि किस चीज के ऊपर खर्च किया गया। फिर जनाब स्पीकर 9 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट है एविएशन सेक्टर के ऊपर। अब आप ये बताइए कि हमें कहते हैं कि जी तबाह इदारे मिले हम बना रहे हैं। जनाब स्पीकर हमारे दौर में अगर PIA और एविएशन तबाह थी तो PIA के जहाज अमरीका भी जाते थे, कैनेडा भी जाते थे, लंदन भी जाते थे, पेरिस भी जाते थे, यूरोप में भी जाते थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फजाई सर्विस जारी थी, पाकिस्तान के लोग अपनी एयरलाइन पे ट्रेवल करते थे। आज यूरोप भी बंद, अमरीका भी बंद, कैनेडा भी बंद और PIA के जहाज मालगाड़ी की तरह, ट्रक बरदार की तरह कार्गो सर्विस पे लगे हुए हैं। वैक्सीन के जहाज जो हैं वो ढो रहे हैं जी, बहावलपुर भी बंद। तो इसी तरह जनाबे वाला ये जो 9 अरब रुपए एविएशन सेक्टर को दिए गए हैं कि हमारे लाइसेंस भी पायलट्स के कैंसिल हो गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर को मजाक बना दिया गया, उसके ऊपर 9 अरब रुपए फाजिल जुल्म खुदा का, ये 9 अरब रुपए दे के अपने मुंह को काला करवा रहे हैं, जहाज बंद करवा रहे हैं, ये कौन सी कारकर्दगी है जिसके ऊपर 9 अरब रुपए भी एविएशन को दिए जाएं? फिर जनाब वजारत खारजा पे 2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट, इस ऐवान ने जनाब स्पीकर करारदाद मंजूर की थी कि हकूमत फौरी तौर पर कश्मीर के मसले पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का खसूसी इजलास बुलाए। 2 साल हो गए हैं, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास छोड़िए, इस्लामी मुमालिक के वज़रा खारजा का इजलास छोड़िए, ये कश्मीर के मसले पे इस्लामी मुमालिक के चपड़ासियों का इजलास भी नहीं बुला सके, तो फिर इनको किस बात पे 2 अरब रुपए फालतू दिए जाएं? वहां कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, वहां पे नौजवानों को अंधा किया जा रहा है, हमारी माओं बहनों की इज्जत पामाल की जा रही है। भारत ने इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट रखा हुआ है, इसराइल की जरूरत नहीं थी कि फलस्तीन में इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट करे, उसकी खबरें गईं, पूरी दुनिया की राय आमा हमवार हुई और इसराइल को वो जंग बंद करनी पड़ी। लेकिन इंडिया ने ढिटाई के साथ सेंसरशिप रखी हुई है, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट रखा हुआ है, हमारी हुकूमत 2 साल से खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्योंकि इसके नजदीक दुनिया का हर मसला या तर्जुमानों के इजलास में हल होता है या सोशल मीडिया का ट्रेंड बना के हल होता है। वो कश्मीरी हमारी तरफ देख देख के थक गए हैं, ये हुकूमत कोई काबिले जिक्र काम नहीं कर सकी, तो 2 अरब रुपए किस चीज के? फिर जनाब 17 अरब रुपए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, जो PSDP है जिसे एलोकेट किया जाता है बजट के अंदर, वो तो अंडर यूटिलाइज्ड है, अगर उसमें कोई एलोकेशन करनी थी वो तो विद इन द एलोकेशन ऑफ PSDP मुमकिन था कि ये वो फंडिंग कर सकते थे, PSDP अंडर यूटिलाइज्ड है। तो ये 17 अरब रुपए सिर्फ अपने प्यारों को पैसे बांटने के लिए, रिश्वत बांटने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी है कि किसी
एमएनए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी फंड नहीं दे सकता? और कौन सा प्राइम मिनिस्टर के जो कहा करता था ये एमएनए को फंड देना तो रिश्वत है, मैं इसको बंद करूंगा। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सियासी रिश्वत इमरान नियाजी साहब तकसीम कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, अगर आप इस सप्लीमेंट्री ग्रांट को देखें तो ये हर लिहाज से काबिल एतराज है। इसके अंदर इस गरीब कौम का, गरीब मजदूर का, किसान के खून पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा है जिसको वजीर आजम हाउस के अल्ले तल्लों पे उड़ाया जा रहा है। 8 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट है जिसको एविएशन इंडस्ट्री, जिसको तबाह करने के पाकिस्तान की पीआईए को और सिविल एविएशन को तबाह करने के इनाम के तौर पे 9 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें कैबिनेट डिवीजन को इस वजीरों की फौज सफर मौज रखने के लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा दिए जा रहे हैं, और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट को अगर देखें उसमें भी 3 अरब रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट है। तो कहां है हुकूमत की कफायत शियारी, कहां है वो सादा हुकूमत, कहां है वो छोटी हुकूमत जिसकी ये हमें ख्वाब दिखाया करते थे? ये बजट के अंदर हुकूमत ने जो आदाद व शुमार दिए हैं ये सब धोखा है, और अगले साल भी ये इसी तरह सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाएंगे, ये फिर मिनी बजट्स लाएंगे। अभी खबर आ गई कि 6 रुपए पेट्रोल की समरी रवाना हो गई है, और हम सुनेंगे कि वजीर आजम साहब के हैंडआउट होगा कि गरीब कौम पे तरस खा के वजीर आजम ने 6 रुपए तो इजाफा नहीं किया, अलबत्ता 4 रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी है। तो ये जो तर्ज हुक्मरानी है, शुक्र करो बड़ी तबाही से बच के हमने तुम्हें छोटी तबाही दे दी है। मैं समझता हूं कि अब बात वहां पर आ गई है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये इमरान साहब जहाज पे जा रहे थे तो इन्होंने अपने वजीरों से कहा कि ये मैं 5000 का नोट फेंकूं तो क्या होगा, तो फवाद चौधरी साहब बैठे थे, इन्होंने कहा कि खान साहब ये जिस गरीब आदमी को नोट मिलेगा वो आपको दुआएं देगा। तो वहां पे फिर ये मुराद सईद ने कहा, ये फवाद चौधरी नंबर ले गया, उसने कहा खान साहब 1000-1000 के नोट फेंकें 5 बंदों का भला होगा। तो वहां पे फिर फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये मुराद सईद मुझसे नंबर ले गया, उसने कहा खान साहब 500-500 के नोट फेंकें 10 बंदों का भला होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये फैसल वाडा मुझसे नंबर ले गया, उसने कहा कि इमरान साहब यूं करें कि आप 100-100 के नोट फेंकें तो 500 बंदों का भला हो जाएगा। तो वहां पे जो जहाज का वो सर्विस करने वाला बंदा था उसने अपने साथी को कहा कि ये खान साहब खुद ही छलांग लगा दें तो 22 करोड़ का भला हो जाएगा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सप्लीमेंट्री पे बाहर